हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नेटवर्क में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है तो आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और महीने का लगभग 20,000 तक कमा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। ठीक है, जितना अच्छा काम होगा आपका, आपको उतना काम मिलता रहेगा, उतना रेटिंग मिलता रहेगा और उतना अच्छा आप अर्न कर पाओगे यहाँ पे। और इस वेबसाइट में बहुत सारे जॉब भी मिलेगा आपको, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कॉपी पेस्ट और बहुत सारे जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि यह वेबसाइट फेक है, इसलिए मैं आपको लाइव अपना आईडी से पैसे कमा कर दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आपको कैसे यहाँ पे अर्न करना है, कैसे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो वीडियो को देखिए आप पूरा एंड तक। तो हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा netsjobsale.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं netsjob.com, इस तरह से आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें क्या मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो आप यहाँ पे कंफर्म कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो उस तरह इसके उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, अप्लाई फ्रीलांसर, हायर फ्रीलांसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्रीलांसर है, क्योंकि ये जो है जॉब कॉन्टेक्ट करके जॉब सेल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन कौन से काम करता है, डाटा एंट्री, उसके बाद फॉर्म फिलिंग, HTML। ठीक है, तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं ये सारे काम करते हैं। यहाँ पे इन लोग अर्निंग किया है 100 रुपया। ठीक है, रेटिंग भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, 300 रुपया कमा लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जब ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा लॉगिन और साइन अप। सबसे पहले आपको लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय और फ्रीलांसर है, यानी कि आप एम्प्लॉय मतलब कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट लेके उसको आप सेल कर रहे हैं, उसको बीट लगा रहे हैं, तो आप एम्प्लॉय में क्लिक करेंगे। वरना आप फ्रीलांसर, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको सब कुछ भरना पड़ेगा, नाम, ईमेल, यूजर नेम, उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट कंफर्म करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह मैंने अपना यूज़र आईडी डाल दिया है, उसके बाद पासपोर्ट यहाँ पे डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल लिया है। तो उसके बाद आप अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अकाउंट ऐड कर दिया। यहाँ मैक्सिमम आप 500 जो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट से। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ट्रांजेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 प्रोजेक्ट पूरा किया है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे अर्निंग मेरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट है प्रोजेक्ट, यहाँ पे है क्रेडिट कंप्लीट है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और मुझे रेटिंग भी अच्छा खासा मिला है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट दो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह आप अपना प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें प्रोजेक्ट में, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे अगर देख सकते हैं वर्क प्लेस। उसके बाद अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपको वर्क प्लेस में जाना पड़ेगा। वर्क प्लेस में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वर्क खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लिंक है, रेफरेंस लिंक, उसको आपको कॉपी करके न्यू टैब में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ एड्स दिया जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर आप कॉपी करके न्यू टैब में पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एड्स देखने मिल जाएगा, ठीक है। उस एड्स को आपको वहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्म फिल का जो है ये प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है ओपन होने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एड्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 10 एड्स, यहाँ पे एड्स नंबर दिया हुआ है। इनको देख के आपको वर्क प्लेस में एंटर करना है। तो यहाँ पे एड्स, यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो ये जो एड्स है आपको इस तरह का मतलब एंट्री करके सबमिट करना पड़ेगा वर्क प्लेस में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा मार्केटिंग का, उसके बाद ये सारे जो भी वर्ड्स है इनको भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट एड्स नंबर देके उसको आपको फिर इसका हेडलाइन लिखना पड़ेगा, जैसे टीचर, यहाँ पे टीचर का यहाँ पूरा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको फिर भरना पड़ेगा। उसको भर के आपको फिर सबमिट करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट करते जाओगे, आपको एड्स नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद हेडिंग डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इस प्रोजेक्ट को आप क्लिक करके यहाँ पे बिट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोगों ने बिट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में इस तरह आपको प्रोजेक्ट में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे कीवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्किल, कौन से स्किल के लिए आपको वो जॉब चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे डाटा एंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया चूज कर लेंगे कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं आपको किस तरह का जॉब चाहिए, ठीक है, कितनी सैलरी चाहिए, कितना बिट लगा सकते हैं आप, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट पसंद आता है तो उसको प्रोजेक्ट को आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में बिट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोगों ने बिट लगाया है, ठीक है, कोई 100, कोई 20 रुपये लगाया, कोई 100 रुपये लगाया, कोई 90 रुपये लगाया है, ठीक है। और इन लोग का रेटिंग भी देख सकते हैं, इन लोग कितना काम कर लिया है, कितना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप अगर प्रोजेक्ट पूरा करोगे तो आपको रेटिंग भी मिलेगा। तो यहाँ बिट लगाने के लिए आपको यहाँ पे बिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिट कैसे लगाया जाता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिट डालेंगे कि यहाँ पे 100 रुपये का बजट है तो आपको कितना बिट डालना पड़ेगा, उससे कम आपको बिट यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 90 रुपये डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने दिनों में पूरा करेंगे डिलीवरी, यानी कि कम से कम आप डे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 डेज यानी 3 डेज मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड मतलब में कुछ डालना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम देखने को मिला, जैसे भी जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे देखिए मेरा ऊपर में मेरा ये जो नाम है यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे बिल लगाया है 90 रुपया का 3 दिन में, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है वर्क, ठीक है। यहाँ पे रेटिंग भी मेरा 4.5% का यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कोई नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, वहाँ पे आपको चेक कर देना पड़ेगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट आप वर्क कर सकते हैं। आपको कहाँ मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम है nestjobsell.com, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का डिस्प्ले आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं ऊपर में, ठीक है। यहाँ प्रोफाइल है, माय प्रोफाइल है, क्रेडिट है, लॉगआउट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना आईडी बना के यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, जॉब करके घर बैठे आराम से इजीली अर्न कर सकते हैं। आप जितना काम करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, उतना आपको रेटिंग जो मिलेगा उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मिलते जाएगा और आप यहाँ पे अर्निंग करते जाओगे। जितना प्रोजेक्ट मिलेगा उतना आपको अर्निंग होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई हो कि कैसे यहाँ पे अर्न किया जाता है, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के जॉब और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।